अब तक जो कुछ मैंने सीखा है उसके अंदर मैंने यही सार पाया है कि संतों का ज्ञान जनता को कल्याण देने के वास्ते है। सब कोई कल्याण चाहते हैं और उसे पसंद करते हैं। कल्याण का ठीक ठीक ज्ञान संत लोग देते हैं। संत लोगों ने इस ज्ञान का प्रचार अपने अपने समय में किया है, अभी भी जो है वे करते हैं। मेरे गुरु महाराज ये गए कह गए हैं कि संतों के ज्ञान का प्रचार करो, इसलिए यह सत्संग होता है दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक और वार्षिक अधिवेशन, कभी कभी विशेष अधिवेशन भी होते हैं। संतों के ज्ञान में ईश्वर की स्थिति बड़ी मजबूती के साथ है, उसमें जरा भी धोखा या संशय नहीं है। अभी आप लोगों ने ग्रंथ पाठ में और भजन कीर्तन में सुना कि ईश्वर की स्थिति है, कहाँ 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 है, बहुत लोग समझ गए होंगे और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं समझ पाए होंगे, इसलिए मैं अल्प ही कहता हूँ। संत लोग कहते हैं कि इंद्रियों से जो जानने में आवे सो माया है, गो गोचर जन लगी मन जाई सो सब माया, जानो भाई जो कुछ दृष्टि लखन में आवे सो माया का चीना, दरिया साहब बिहारी। इंद्रियों से जो परे है वह है ईश्वर। वेद मंत्र का पाठ हुआ उसमें भी यही बात थी और उपनिषद के पाठ में भी यही बात थी, उसमें एक बात और थी कि प्रभु को जानना चाहिए। यह जानना अपरोक्ष ज्ञान या प्रत्यक्ष ज्ञान है, यह ज्ञान इंद्रियों को नहीं होता है, चेतन आत्मा को होता है। हम लोगों का जन्म आस्तिक घराने में हुआ, वहाँ बचपन से ही राम राम, शिव शिव, वाहे गुरु आदि कहने के लिए सीखा। पदार्थ रूप में राम क्या है तब नहीं जाना, राम कोई महान प्रभु हैं इतना ही तब जाना। संतों का ज्ञान है कि जिसको तुम चेतन आत्मा से या अपने तई से पहचानो वह है ईश्वर, इसको याद रखिए। जो इंद्रियों से पहचान में आवे वह है ईश्वर की माया। पहली बात है कि ईश्वर स्वरूप का ज्ञान हो और उसकी स्थिति के विश्वास में किसी तरह कसर न रह जाए, तब उसका भजन करो, कल्याण होगा। ईश्वर स्थिति का दृढ़ ज्ञान जानो, फिर उसकी प्राप्ति की युक्ति जानो जिससे उसकी प्रत्यक्षता हो, अभ्यास करो उसको प्राप्त करो, तब कल्याण होगा। केवल भौतिकता में कल्याण नहीं है, भौतिकता का अर्थ केवल संसारिक वस्तु में कल्याण नहीं है। मेरे कहने का यह आशय है कि संसारिक पदार्थ में पूर्ण कल्याण नहीं है, बल्कि जो कल्याण मालूम होता है वह सत्य नहीं है। माया की पहचान से पूर्ण कल्याण नहीं होगा, ईश्वर की पहचान से पूर्ण होगा। इसलिए संतों ने ईश्वर को पकड़ने कहा, ईश्वर को हाथ आदि इंद्रियों से पकड़ नहीं सकते। माया में ईश्वर व्यापक है, लेकिन माया को पकड़ने से ईश्वर नहीं पकड़ा जाता। जिसको आप आँख से ग्रहण करें वह है रूप, जिसको कान से श्रवण करें वह है शब्द। इसी तरह जो चेतन आत्मा को प्रत्यक्ष हो वह है ईश्वर। इसी तरह जो चेतन आत्मा को प्रत्यक्ष है वह है ईश्वर। पंचेंद्रियों से पंच विषय ग्राह्य होते हैं। कितना ही सुंदर अद्भुत रूप देखो वह माया है, विषय है। इन पंच विषयों में जो व्यापक है वह ईश्वर है, इंद्रिय ज्ञान में वह नहीं है। लोग उसको ही जानते हैं जो इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है। शरीर में जो स्वयं आप हैं केवल उससे ही उससे सोचते, शरीर में जो स्वयं आप हैं केवल उससे ही कि उससे ही ज्ञान, क्या ज्ञान होता है इसको बहुत लोग नहीं सोचते। वह जानने, सोचने और प्रत्यक्ष पाने के लिए है। संतों ने कहा कि अपने अंदर में चलो, इंद्रियों का संग छोड़ो और स्वरूप को पहचानो। इंद्रियों के संग वैसे रहना है जैसे गुड्डी के साथ ढेला बंधा हो। संत तुलसी साहब ने कहा कि हिनयन सहन सुचैन सुंदरी साज श्रुति पीपै चली।
यहाँ श्रुति का अर्थ जीवात्मा है। आपको आँख से रूप ज्ञान के अतिरिक्त और चार विषयों का ज्ञान नहीं होता, इसी तरह इन पंच ज्ञानेंद्रियों से ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है, यह केवल चेतन आत्मा के ही होता है। आपको ऐसा बनना होगा जैसा बनकर ईश्वर की पहचान हो। उस हो सुना है कि राजा के दरबार में जाने के लिए दरबारी वस्त्र धारण कर दरबार में जाना होता है, जैसे तैसे वेश से नहीं, परमात्मा के दरबार में अकेले होकर जाएं, कपड़ा देह पर है देह को भी छोड़कर जाएं, अपने ऊपर से कपड़ा हटाकर राजा के दरबार में जाओ तो पगला कहकर धक्का देकर निकाल देगा। लेकिन ईश्वर के दरबार में स्थूल सूक्ष्मादि सभी शरीरों को छोड़कर जाना होगा। जीवन भर वेद पढ़ो, ईश्वर दर्शन नहीं होगा। भारी भारी तप करो, देह सुखा कर हार हार हो रहो, भगवान बुद्ध की तरह फिर भी ईश्वर दर्शन नहीं होगा। भगवान बुद्ध ने 6 वर्षों तक महान तप किया था, लोग उनको मृतवत समझने लगे थे, लेकिन उनको ज्ञान हुआ कि इससे भी परम ज्ञान नहीं मिलता है। आप पढ़े सुने होंगे कि फला ने तप किया और उनको दर्शन हुआ, वह दर्शन इंद्रियों से हुआ केवल चेतन आत्मा से नहीं। मैं बारंबार कहता हूँ कि इंद्रिय ग्राह्य रूप में जो व्यापक स्वरूप है उसको पहचानो तो ईश्वर दर्शन हुआ। इसी के लिए आपने कबीर साहब के पद में सुना, लंबा मार्ग दूर घर विकट पंथ बहुमार। बड़ा भयानक कह दिया कबीर साहब ने, इतना डरा दिया कि लोग भाग जाएं। गुरु नानक देव जी ने भी कहा कि जही मार्ग के गने जाए नहीं कोसा। लंबा मार्ग है और रास्ते में बहुत आपदाएं हैं, फिर ईश्वर दर्शन कैसे हो? इसका उत्तर है, अनहद बाजे निझर झरे उपजे ब्रह्म ज्ञान, आवगति अंतर प्रकटे लागे प्रेम ध्यान। कबीर साहब, इसमें लंबा मार्ग कटेगा और इसी में ईश्वर दर्शन हो जाएगा। गुरु नानक देव जी ने कहा है कि घट घट अंदर ब्रह्म लुकाया, घट घट ज्योति सबाई, बजर कपाट मुक्ते गुरुमति निर्भय ताड़ी लाई। ऐसी निर्भय ताड़ी ध्यान लगाने में ईश्वर दर्शन होगा। लोग कहते हैं कि जो सर्वव्यापक है उसके पास जाने के लिए लंबा मार्ग क्यों होगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। उनसे प्रश्न कीजिए कि ईश्वर नजदीक है तो क्या आपने दर्शन पाया? साँच साँच कहिए, यदि झूठ कहिएगा तो ईश्वर दर्शन का जो गुण होता है वह आप में नहीं होगा, तो आप पकड़े जाएंगे। तब वे कहते कि नहीं, दर्शन नहीं हुआ, इतना लंबा जाना है कि जहाँ जाकर इंद्रियों से छूटना हो। दादू दयाल जी कहते हैं कि दादू जाने न कोई संतन की गति गोई, अभिगत अंत अंत अंतरपट अगम अगाध अगोई, सुन्नी सुन्न सुन्न के पारा अगुन सगुन नहीं दोई, अंड न पिंड खंड ब्रह्मंडा सुरत सिंध समोई, निराकार आकार न ज्योति पूर्ण ब्रह्म न होई, इनके पार सार सोई पहिए तन मन गतिपति खोई, दादू दीन लीन चरणन चित मैं उनकी शरण होई। संतों की गति छिपी होती है, वह बाहर की गति नहीं अंतर की गति है। बाहर में तो खूब दौड़ जाएं, लेकिन अंदर में एक बाल भर चलना मुश्किल है। कितने को तो शरीर में चेतन आत्मा के होने का विश्वास ही नहीं है। वे कहते हैं कि केवल शरीर ही शरीर है, इसके अंदर शरीर से भिन्न तत्व कुछ नहीं है। सो ऐसा विश्वास और कथन भूल है। जागृत अवस्था में चेतन आत्मा की बैठक शरीर में जहाँ है वहाँ से एक बाल चलिए। एक बाल का अर्थ बाल की लंबाई नहीं, उसकी मोटाई भर से है। जागने में बाहर इंद्रियों के ज्ञान के दायरे में रहते हैं, स्वप्न में बाहर की इंद्रियों के ज्ञान से छूटते हैं, यह प्राकृतिक है। और ईश्वर की ओर से इशारा है कि अंदर की ओर चलो तो इंद्रियों की ओर से छूटना होगा। संत लोग कहाँ तक जाते हैं? दादू दयाल जी कहते हैं कि अविगत अंत अंत अंतर पट अगम अगाध अगोई, सुन्नी सुन्न सुन्न के पारा
अगुण सगुण नहीं दोई। संत लोग सर्वव्यापी तक जाते हैं, जाते जाते जहाँ जाना समाप्त हो जाता है, वो जहाँ गति का अंत है, आगे किसी तरह जाना नहीं होता, जाने के लिए जहाँ ना मार्ग है ना स्थान है, वहाँ तक जाओ तब ईश्वर दर्शन मिलता है। संतगण ठीक से पता बताते हैं कि बाहर संसार में मत दौड़ो, तुम अपने अंतर पटों का अंत कर डालो। ख्याल करो कि समझ को समझ लो कि इस स्थूल शरीर में आप रहते हो, आप शरीर के किसी एक तल पर रहते हो, वह शरीर का एक अंतरपट है, या तल एक ही है और एक ही है, या और भी उसके अंदर तल हैं, जागने का एक तल, सपनाने का दूसरा तल, सुसुप्ति का तीसरा तल है, ईश्वर की ओर जाने के लिए चौथा तल है। उस तल को भी पार करोगे तब अंत अंतरपट होगा, लेकिन वह अगम बुद्धि से परे है। तीन शून्यों, तीन शून्य है, अंधकार का शून्य, प्रकाश का शून्य और शब्द का शून्य। अंधकार मंडल, प्रकाश मंडल और शब्द मंडल, ये तीन हैं। इन तीनों को छोड़ दे तो संसार बंधन में जीव रहेगा ही नहीं। विद्वान बिचारे समझे, नीचे से अंधकार, प्रकाश और शब्द यहीं तक रचना है, ऊपर से शब्द, प्रकाश और अंधकार है, इसी को तीन शून्य का है। इन तीनों को पार कर जाओ तो उसको निर्गुण सगुण कुछ नहीं कर सकोगे। जो व्यक्त माया है वह सगुण है, जो अव्यक्त है वह भी सगुण है। एक तो त्रैगुणात्मिका जड़ प्रकृति का मूल रूप है, प्रकृति का मूल रूप अव्यक्त है और उसका कार्य व्यक्त है। इन दोनों प्रकृतियों से जो परे चेतनात्मिका परा प्रकृति है वह भी अव्यक्त है। इन दोनों प्रकृतियों से जो परे है वह है पुरुषोत्तम, या पुरुषोत्तम पद अंधकार प्रकाश और शब्द से भी परे है। इन तीनों पटों से अपने को ऊपर उठा लो, जहाँ जाकर शरीर इंद्रियों से छूटता हो वहाँ तक चलो, वह लंबा मार्ग है। दृष्टि की संभाल ही मार्ग पर चलने में विकट कार्य है, इसलिए विकट पंथ है। साधन काल में विषय रस की स्मृतियां बार बार मानस पटल पर उदय होकर साधन में विघ्न डालती है, यही बहुमार है। जो कोई साधन मार्ग पर मन लगाकर चलते हैं तो ईश्वर की कृपा होती है और मार्ग की विकटता और कथित बहुमार धीरे धीरे दूर होती जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जो तेही पंथ चलही मन लाई तो हरि काहे न होई साई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि भक्तों का योगक्षेम मैं करता हूँ, उसकी जांच हो सकती है, इसकी जांच हो सकती है भक्त बनकर करो। हम लोग सोए रहते हैं, सोए में अपना कुछ ख्याल नहीं रहता, ईश्वर पहरा करते हैं। कहानी है कि राजा शिकार खेलने के लिए जंगल गया, वहाँ उसने एक मुनि बालक को देखा। राजा ने उस मुनि बालक को अपने राजभवन में ले चलने की इच्छा से कहा कि तुम मेरे साथ चलो। मुनि बालक ने कहा मैं तुम्हारे यहाँ नहीं जा सकता। राजा ने कहा मैं तुम्हें अच्छा अच्छा खाना पहनना और रहने को आलीशान मकान दूंगा। मुनि बालक ने कहा कि तुम मत खाओ, मुझे खिलाओ, तुम अच्छे अच्छे कपड़े मत पहने, मुझे पहनाओ और मैं सोऊंगा, तुम जगकर पैरा करो, यदि तुम ऐसा कर सको तो तुम्हारे यहाँ जा सकता हूँ। राजा ने कहा मैं जो खाऊंगा तुम्हें वही खिलाऊंगा, जो पहनूंगा तुम्हें भी पहनाऊंगा, और मेरे सोने पर जो पहरा हमारा पहरा करेंगे वे ही तुम्हारा भी करेंगे। मुनि बालक ने कहा कि मुझे ऐसा मालिक नहीं चाहिए, मेरा मालिक ऐसा है कि स्वयं नहीं खाता और मुझे खिलाता, स्वयं कपड़े नहीं पहनता, मुझे पहनाता है, मैं सोता हूँ और वह जगकर मेरा पहरा करता है। तो ईश्वर इसी तरह का है, वह कुछ नहीं खाता, सबको खिलाता, सब सोते हैं और उनकी वह रक्षा करता है। जो उस विकट पंथ में चलता है ईश्वर उसकी रक्षा करता है, जो उस मार्ग पर चलता है उसका वज्र कपाट खुलता है। कबीर साहब ने कहा कि अनहद बाजा बजता है, ज्योति की वर्षा होती है और ब्रह्म ज्ञान होता है। कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, उनको इसी तरह ब्रह्म ज्ञान हुआ था। संतों के पास प्रेम बहुत बड़ा हथियार है, इसी के द्वारा वे सब विकटताओं को वश करते हैं। ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान, उसकी स्थिति का ज्ञान होना चाहिए और उसकी प्राप्ति अपने अंदर में होगी, इसका दृढ़ निश्चय रखना चाहिए।
ऐसा करने वाले को ही कल्याण होता है। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। या प्रवचन संथाल परगाना जिला अंतर्गत ग्राम ढोडरी में दिनांक 9/2/1998 को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। यह प्रवचन